पर्ची डालकर चुना चार प्रेमियों में से दुल्हा। It's her choice. मतलब पहले चारों से इश्क लगा लो, पकड़े जाने पे शादी के लिए पर्ची डालो, दुल्हा चुन लो। गजब बेइज्जती है। ऐसा करो, वीडियो देखते समय माइक जो है ना ऑफ कर लो, मेरा मतलब कान में जो है ना एयरफोन लगा लो। तो तुम्हें लग रहा होगा यह शराब पहले से पी रखा है, तो नहीं, ये शराब पी रहा है तो बिल्कुल भी नहीं। किसी को अपना कपड़ा इम्पोर्टेंट है तो किसी को अपना स्टाइल इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसको अपनी चाय इम्पोर्टेंट है जो अभी पी रहा है। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। क्या है ये? ये तो टट्टी है। हार्पिक कहाँ है, मुझे अपने आँखों में डालने हैं। कोई सेंस है इस बात की? बड़ी मूर्ख स्त्री है, कोई से पीछे से धक्का क्यों नहीं दिया? बच्चों को शहर में पढ़ाओ, साथ ही गांव के चक्कर जरूर लगवाओ। एक विनोद था, अब जेवियर आया है। उसका नाम क्रिंज था, पर जेवियर पूरा क्रिंज है। फेसबुक खोलो तो कोई मीम दिखाई न दे, लेकिन जेवियर का कमेंट हर पोस्ट पे टट्टी पे बैठने वाले मक्खी की तरह कमेंट बॉक्स में भिनभिनाता दिखाई देता है। अगर तुम्हें लगता है जेवियर मेल है, फीमेल है, बच्चा है, जवान है या बूढ़ा है, क्या है ये मुझे भी नहीं पता, पर ये नया मीमर नहीं है, बहुत पुराना है, जो अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर रखने वाला व्यक्ति है, जो 4 साल पहले ट्विटर पे अपना घर बना रखा है। Oh my God! Wow! इंसान को अपने संस्कार को भूलना नहीं चाहिए। रात को 2 बजे छींक आती है तो पास में सो रहे व्यक्ति को जगा कर सॉरी बोलना पड़ता है। Oh no! भोंसडी के हर पोस्ट पे कमेंट, जाके कोई जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेता? हर एक पोस्ट पे बकचोदी करना जरूरी है?